देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन रविवार को न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस 1 घंटे 7 मिनट लंबे इस भाषण में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर, भारत की प्रगति और प्रवासी भारतीयों की मूल भूमिका पर चर्चा की। मोदी जब नासाउ वेंट्रस कॉलिजियम पहुंचे तो हजारों समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। उनके स्वागत में पहले अमेरिका का और फिर भारत का राष्ट्रगान गाया गया, जिसने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए नमस्ते कहा और कहा कि हमारा नमस्ते अब मल्टीनेशनल हो गया है, यह लोकल से ग्लोबल बन चुका है। उन्होंने साझा किया कि जब वो ना मुख्यमंत्री थे और ना प्रधानमंत्री, तब भी उन्होंने अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा किया था। कई सवालों के साथ मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई परिभाषा पेश करते हुए कहा, AI का मतलब एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरी तरफ अमेरिकन इंडियन भी है। प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया, इस बार भारत के चुनाव में कुछ अभूतपूर्व हो रहा है। उसके बाद उन्होंने लोगों की ओर हाथ उठाकर 3 बार अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाने के लिए कहा, जो माहौल में उत्साह भर गया। बता दें, नरेंद्र मोदी ने मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा ऐसे भी जहां मैं देश में भटकता रहा, जहां खाना मिला वहां खा लिया, जहां सोने को मौका मिला वहां सो गया। मैं समंदर से लेकर पहाड़ों और रेगिस्तानों तक का सफर किया है। उन्होंने आगे कहा, नियति ने मुझे राजनीति में लाया। कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और जब बना तो लंबे समय से तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव भी मिला। फिर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के CEOs के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी शामिल थे। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक की और क्वाड समिट में भाग लिया। इस मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच 2 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अमेरिकी स्पेस फोर्स भारत में एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी और यह निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग भारत और अमेरिका की सशस्त्र सेनाएं करेगी। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को 31 MQ-B ड्रोन देने की घोषणा की, जिन्हें सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स के भारतीय कॉन्सुलेट खोलने की योजना भी घोषणा की। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।